वेलकम टू अवर चैनल फोर जी स्कूल माई इंग्लिश बुक सिक्स लेट्स द चैप्टर वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स एज यू आर सींग इन दिस पिक्चर देर आर टू एनिमल्स इस कहानी में दो अहम जानवरों जानवर हैं जंगली सुअर यानी वाइल्ड बोर और फॉक्स यानी लोमड़ी वन डे अ वाइल्ड बोर वॉज शार्पनिंग हिस् टस्क अगेंस्ट द अ ट्री एक दिन की बात है एक जंगली सुअर अपने दांत, दरख्त की तने से तेज कर रहा था जिस तरह से हाथी को दांत होते हैं उसी तरीके से जंगली सुअर के भी सामने से दांत होते हैं ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली वो उसे बहुत ही ध्यान से कर रहा था देर लिप्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट ही ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी और वो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढती थी कि किस तरीके से जंगल के दीगर जानवरों को सताया जाए वेन ही सॉ wild बोर ही डिसाइडेड टू टीज हिम जब उसने देखा इस जंगली सुअर को तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे सताया जाए ही began टू वॉक अराउंड द ट्रीज लुकिंग लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन वो सुअर के अतराक घूमने लगी ऊपर नीचे देखने लगी ही ऑल्सो बिगैन टू एक्ट एज इफ ही वॉज रियली स्कैड और इस तरीके से बर्ताव करने लगी कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम ही राइट ऑन हिज वर्क लेकिन उस सुअर ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया वो पूरी तरीके से तोज्जे से अपना काम कर रहा था एट लास्ट द फॉक्स सेट अ ग्रिन आखिरी में उस लोमड़ी ने गुस्से से कहा वाई आर यू डूइंग दैट तुम ये क्यों कर रहे हो आई ट्राइड वेरी हाइड हार्ड बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर उसने कहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो मैंने हर जगह देख लिया ना यहाँ पर कोई कोई दुश्मन छुपा हुआ है है। है। और ना ही खतरा सुअर ने कहा सही जस्ट नाउ देर मे नॉट बी एनी डेंजर बट वैन इट रियली कम्स देर वॉन्ट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क उसने कहा कि अभी तो यहाँ पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है लेकिन अगर कोई शिकारी या खतरा नजर आ जाए तो मुझे अपने दांतों को तेज करने का मौका नहीं मिलेगा माई वेपन्स हैव टू है यूज फॉर यूज देन इफ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफ़र यानी उसने कहा कि उस वक्त मेरे ये दांत मुझे बचाने के काम आएंगे अगर ये उस वक्त तैयार ना हो तो मुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज द बेस्ट टू बी प्रिपेयर डोंट लिव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हर चीज के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए आखिरी मिनट तक या आखिरी वक्त तक कोई भी चीज को उसके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए नाउ रीड द वर्ड्स मीनिंग लिविंग वाइल्ड लिविंग इन अ जंगल यानी जो जंगल में रहते हैं उन्हें वाइल्ड कहा जाता है बोर अ वाइल्ड पिग जंगली सुअर टस्क अ पैर ऑफ लॉन्ग पॉइंटेड टीथ दैट सम एनिमल्स लाइक द एलिफेंट कि जो हाथी की तरह जिस जिन जानवरों को सामने से दांत निकले हुए होते हैं उसे टस्क कहा जाता है बाक द कवरिंग ऑफ द मेन ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस यानी के जिस तरह दरख्त का तना जहां से दीगर शाखें फूटती हैं और वो मजबूत होता है ग्रीन स्माइल नाउ लेट्स सॉल्व द एक्टिविटी लिसन द स्टोरी केयरफुली एज यू लि टनलीज वर्ड्स दैट अपियर इन द स्टोरी अब आपको इसमें देखना है अल्फाज यहाँ पर दो अल्फाजों की जोड़ियाँ दी हुई है आपको जो अल्फ़ाज कहानी में आया हुआ है उसे टिक करना है फर्स्ट वन इज वाइल्ड एंड माइल्ड ऑब्वियसली वाइल्ड इसमें आया है तो वाइल्ड को टिक करिए और बोर इसमें बोर आया है बोर को टिक करना है ऑक्स बॉक्स फॉक्स यानी कि इसमें से फॉक्स आया हुआ है डार्क बार्क बार्क पर राइट में लगाइए फन गन फन इसमें फन पर टिक करना है सौ रॉ यानी कि इसमें सौ पर टिक करना है प्लीज टीज टीज पर टिक करना है टॉक वॉक वॉक पर टिक करना है पे डे डे पर टिक करना है वर्ड वर्क वर्क पर टिक करना है हार्ट कार्ड हार्ट Won't, won't, won't पर टिक कीजिए फर्स्ट वन चांस डांस चांस पर टिक करना है फाइंड द फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर्स ऑन पेज सेवन यानी कि आपको इन तस्वीर को बनाना है या फिर उसे पॉइंट आउट करना है पेज नंबर सेवन पर अ वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर पर आपको पॉइंट आउट करना है टस्क यानी कि उसके सामने के दांत बनाना है और ट्री ट्रंक यानी कि पेड़ का तना उतारना है लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन औरली यूजिंग ओनली वन वर्ड और फ्रेजिज वन डे अ वाइल्ड बोर वॉज शार्पनिंग हिज टस्ट अगेंस्ट द बाक ऑफ अ ट्री वाट वॉज द बोर डूइंग अब यहाँ पर आपको पूरा ये जुमला दिया हुआ है उसमें सवाल है और सवाल का जवाब आपको सिर्फ वन और टू अलग फ्रेजेस मतलब एक से दो अल्फाज जिसमें आते हैं उसमें बयान करना है तो वॉट वॉज द बोर डूइंग शार्पनिंग हिस्स टस्ट जिस जिस फ्रेज के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वो उसका जवाब होगा उसे आप अलग से भी लिख सकते हैं he was doing it carefully. how was he doing it? Iska answer _skansaroga carefully._ there lived a fox in the same forest. who lived in the same forest? Uska jawab hoga a fox._ when the fox saw the wild boar he decided to tease him. who saw the wild boar? what did he decide? the fox saw the wild boar and he decided to tease him. but the boar did not pay any attention to him. did the boar pay any attention to him? boar did not pay any attention to him. Let's solve the other activity match the words or phrases in A and B with reference to the story look for a chance make fun of other animals sharpen tusk pay attention to the fox आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को पूरी आखिर तक देखिए इसमें आपको तमाम सवाल के जवाब भी हल करके दिखाए हुए हैं द फॉलोइंग स्पीचेस शोज अप द नेचर ऑफ़ द स्पीकर गेस द स्पीकर द वाइल्ड बोर और द फॉक्स अब यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए हुए हैं आपको वाइल्ड बोर और द फॉक्स की तरफ से फॉक्स के रवैये के हिसाब से इन जुमलों को बताना है कि ये किसने कहे होंगे आई हैव invited सम फ्रेंड्स फॉर a पार्टी दिस इवनिंग आई मस्ट tidy up अप द हाउस बिफ़र फोर पी एम यानी कि मैंने आए, शाम में कुछ लोगों को दावत दी है और उसके लिए मुझे तैयारी करनी है अब हो सके किसने कहा है किसका रवैया था इस तरीके से पहले से तैयारी करने का द बोर आई हैव टू कैच अ सेवन एम ट्रेन tomorrow. आई नीड टू पैक माई बैग्स टू नाइट यानी मुझे सुबह की सात बजे की ट्रेन पकड़नी है इसलिए मैं मुझे रात से ही अपनी बैग तैयार रखनी है अब ये भी रवैये के हिसाब से द बोर आएगा मर सो दैट आई कैन ब्रेक दैम बहन मुझे मुझे लड्डू देने के लिए शुक्रिया अब मुझे एक हथोड़ा दीजिए मैं इन्हें तोड़ दूंगी ये किसने कहा हो सकता है ऐसा रवैया था फॉक्स का नाउ लेट्स ऑल्व द लर्न द फॉलोइंग आइटम्स अबाउट द एनिमल्स अब यहाँ पर आपको कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। आइटम्स यानी कहा के कहावतें जैसे कि एस लाई एस फॉक्स यानी के लोमड़ी की तरह चालाक एस क्वाइट एज माउस यानी कि चूहे की तरह खामोश एज ब्रेव एज लाइन शेर की तरह बहादुर अस्टन एज अ मूल यानी के मूल की तरह स्ट्रबन एज स्ट्रॉग एज एन ऑक्स ऑक्स की तरह स्ट्रॉन्ग यानी बैल की तरह स्ट्रॉग एज फ्री एज अ बर्ड परिंदे की तरह आज़ाद एज बिजी एज़ बी यानी कि जिस बी यानी शहद की मक्खी किस तरीक़े से बिजी होती है उस तरीके से बिज़ी एज स्लो एज स्नेल स्नेल यानी कि गुंगा गुँगे की तरह स्लो एज प्राउड एज अ पिकॉक और मोर की तरह प्राउड फील करने वाले तो आपको ये आइटम्स याद करना है जिसमें कुछ जानवरों का जिक्र आया है नाउ सॉल्व दिस एक्टिविटी फाइंड एटलीस्ट थ्री सूटेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स लेट्स विद शार्पन यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं आपको इनके ताल्लुक़ से कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखना है शार्पन मतलब तेज़ करना आप क्या क्या तेज़ कर सकते हैं हम आप यहाँ पर सीजर्स यानी कैंची टस्क यानी के दांत, नाइफ़ यानी छुरी अ पेंसिल और योर माइंड आप माइंड भी शार्प कर सकते हैं उसके लिए क्या जरूरत होती है तालीम की माइंड को शार्प करने का कोई शार्पनर नहीं होता है एजुकेशन ही माइंड को शार्प करती है चलिए अब इसके आगे के सवाल हल करते हैं देखिए सबसे पहला है राइट तो राइट के साथ आ सकता है अ लेटर अ स्टोरी और अ बुक यानी आप ये तीनों चीजें लिख सकते हैं अ होम अब होम में क्या कर सकते हैं क्या क्या होता है होम से रिलेटेड वर्ड्स अस्टेज अ डेकोरेट अ हॉल नेक्स्ट इज क्लोज अब क्या क्या, -क्या क्लोज कर सकते हैं हम द आईज द विंडो द अम्ब्रेला नेक्स्ट इज द माउथ द फ्रूट्स द माउथ वॉश कर सकते हैं फ्रूट्स खा सकते हैं और क्लोथ से साफ कर सकते हैं पॉलिश द शूज द बेल्ट एंड द ज्वेलरी अ बॉल बॉल से क्या कर सकते हैं हम बॉल को थ्रो कर सकते हैं थ्रो थ्रो है Throw a ball, a stone, and the leftovers. Wash, wash kya kar clothes, the mouth, and the fruits. Next is catch a ball, this mango, and the train. Break. the रूल द स्टिक अ बॉटल पॉर यानी के भरना क्या भर सकते हैं हम टी ड्रिंक्स और water. Fill, a bucket, a drum, a stomach last लास्ट सेकेंड लास्ट इज मेजर मेजर यानी के नाप लेना किस किस चीजों का नाप ले सकते हैं द हाइट द एरिया एंड द लेंथ रिपेयर कौन सी चीज़ें रिपेयर की जा सकती है द अम्बरेला द शूज़ एंड द कार सो दिस इज़ योर एक्टिविटी फॉर स्टैंडर्ड सिक्स सब्सक्राइब आवर चैनल फोर जी स्कूल फॉर मोर एजुकेशन वीडियो एंड अदर एक्टिविटीज़